सितारगंज में ज्वेलरी शॉप से चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, जिले में ऑपरेशन प्रहार जारी है। एसपी क्राइम मनोज कथियाल ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि सितारगंज सिडकल रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में कुछ चोरों ने हाथ साफ कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम आसपास लगभग 200 से कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बाद में मेरे बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसकी बदौलत चोर पकड़ने में आया। मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी भाइयों की मेरी कि मुझे एक गरीब आदमी को बर्बाद होने से बचा लिया, अन्ना बेघर हो जाता है गरीब आदमी। सितंबर की घटना है, इसमें एक स्थानीय व्यापारी के यहाँ जो कि ज्वेलरी का काम करते थे, उनके यहाँ पे एक चोरी की घटना हुई थी नकद लेने की। और उस घटना में तत्काल हमने सूचना प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू की। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पुलिस मुख्यालय इनके हमेशा वरीयता में रहेगी और शीर्ष प्राथमिकता हम लोगों के द्वारा इनके मैटर्स को दी जाती है, तो इसके अनावरण के लिए हमने सीओ सितारगंज श्री ओम प्रकाश साहब के नेतृत्व में टीमें बनाई, जिसको अलग अलग लोग लीड कर रहे थे। इसमें हमारे इंस्पेक्टर सितारगंज उपेंद्र बिजवाल, SSI हरिंदर और जो सरकड़ा चौक इंचार्ज धामी जी, ये लोग उनको लीड कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए पूरी, सबसे पहले 200 से 250 के करीब सीसीटीवी फुटेजेज हम लोगों ने इसमें ट्रेस किए। उसके बाद जब आगे फुटेज मिलना बंद हो गया तो हमने जीरो डाउन किया और उसकी एरिया की पूरी मैनुअल स्कैनिंग की, और स्कैनिंग के बाद हमें जो भी लीड्स मिली थी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, हमने इसमें बहुत मेहनत से इसमें दो लोगों को अरेस्ट करने में हमने सफलता हासिल की है। और इस पूरी घटना का अनावरण करते हुए हमने इसमें लगभग 3 किलो से अधिक मात्रा में चांदी हमने बरामद की है, जो कि विभिन्न आभूषणों के रूप में है।